ये जो आपने सुना ये नात है, गाना नहीं। इसमें एक छोटी सी बच्ची अपने अब्बा जान से जन्नत के बारे में पूछ रही है। अब्बा जान वो जन्नत के हकीकत बताता है। तो मेरे ख्याल में नात में जो बेक में म्यूजिक लगाया गया है बहुत बुरी बात है, बल्कि ये नात की तोहीन है। दोस्तों, आप इस गाने से वाकिफ होंगे, अपने अक्सर सुना होगा, इनफेक्ट अपनी शादी ब्याह मौके पर पार्टीज में हौजसरा मुजरे करते हुए देखे होंगे। ये गाना नहीं, ये एक नातिया कलाम है। इसमें एक छोटी सी बच्ची अपने बाप से जन्नत के बारे में पूछ रही है और इसका बाप जवाब देते हुए उसे जन्नत की हकीकत बताता है। इस नातिया कलाम के ऊपर किसी ने म्यूजिक लगाकर यूट्यूब पर अपलोड किया और ये जाहिल अवाम टिकटॉक पर मुजरे करने लगी। बेक से जो बोल होता है अरबी जबान में, वहाँ पे जहाँ पे वो बोल रहा है कि हम सहाबी के नक्शे कदम पर चलना है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर चलना है, ठीक उन्हीं लाइनों के ऊपर ख्वाजा सरा कमर हिला रही है। ये उनकी मेंटेलिटी है, ये उनकी जहलियत की हद है कि नातिया कलाम के ऊपर म्यूजिक लगाकर ये मुजरे करते हैं। इससे ज़्यादा गिरी हुई वीडियो पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इन चीज़ों की रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ इकदाम करना चाहिए ताकि इस तरह हरकत जो लोग करते हैं इसे रोका जाए, और ऐसा कानून होना चाहिए कि जिससे हमारे यूथ, हमारे आने वाली नस्ल को नुकसान होता है उनसे बचना चाहिए।